कॉन रेसिडेंसी हो या फिर फॉर्चून हाइट्स, इस दोनों ही बिल्डिंग में निवास स्थान है छोटे नवाब का यानी सैफ अली खान का, जिनकी फिल्म आरक्षण को लेकर मुंबई सहित देश के कई राज्यों में बवाल समचा हुआ है। लेकिन बात करें यदि सुरक्षा व्यवस्था की, तो चाहे हाईकॉन रेसिडेंसी हो या फिर फॉर्चून हाइट्स, यहाँ पर बिल्डिंग के बाहर ना ही कोई पुलिस की गाड़ी है और ना ही कोई पुलिस का दस्ता। ऐसे में यदि कोई बड़ा हंगामा या बवाल होता है तो पुलिस उसे कैसे नियंत्रित कर पाएगी, यह अपने आप में एक अहम सवाल है। गौरतलब हो कि माय नेम इज खान फिल्म रिलीज होने के बाद जो विवाद हुआ था, उसके बाद खान के घर के बाहर की पूरी सुरक्षा व्यवस्था पुलिस ने चाक चौबंद कर रखी थी। लेकिन बात करें यदि छोटे नवाब की, तो आखिर यहाँ पुलिस की उस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर मुस्तैद क्यों नहीं है, यह अपने आप में एक अहम सवाल है। क्या राज्य सरकार और मुंबई पुलिस कहीं ना कहीं छोटे नवाब को अनदेखा तो नहीं कर रही? न्यूज एक्सप्रेस के लिए मुंबई से संजय मिश्रा। हम खड़े इस समय बांद्रा पश्चिम के सेंट्रीजा स्कूल के पास, जिसके सामने काबिज है यह बिल्डिंग हाईकॉन रेसिडेंसी, जिसमें रहते हैं छोटे नवाब यानी कि सैफ अली खान। सैफ अली खान की कल आगामी आने वाली फिल्म जो आरक्षण है, उसको लेकर मुंबई के कई इलाकों में रोज कोई न कोई हंगामा या बवाल मचा ही रहता है। लेकिन बात करें यहाँ की पुलिस सुरक्षा की, तो आप देख सकते हैं कि यह रोड पूरी तरीके से, इस रोड पर सन्नाटा पसरा हुआ है, यहाँ पुलिस की कोई भी व्यवस्था नहीं है। गौरतलब हो कि फिल्म माय नेम इज खान रिलीज होने के वक्त जो विवाद मुंबई में हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस ने किंग खान के घर के बाहर पूरी तरीके से सुरक्षा चुस्त व दुरुस्त कर रखी थी। लेकिन बात करें यदि छोटे नवाब की, तो उन्हें किसी प्रकार की भी सुरक्षा अभी तक न मुंबई पुलिस ने दी है और ना ही महाराष्ट्र सरकार ने। ऐसे में सवाल यह उठता है, क्या महाराष्ट्र सरकार को इंतजार है किसी ऐसे एक वारदात का जो अभी तक नहीं हुआ है? न्यूज एक्सप्रेस के लिए मुंबई से संजय मिश्रा। फॉर्च्यून है।